तो आज हम बात करेंगे एल्कलाइन टाइप बैटरीज के बारे में। तो एल्कलाइन टाइप बैटरीज की अगर मैं बात करूं तो क्या बेनिफिट्स हैं लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में, हम पहले वो देखेंगे ना। कुछ फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि एल्कलाइन टाइप बैटरी लेड एसिड के कंपैरिजन में बेटर है। तो रिलेटिवली हैवी फॉर गिवन कैपेसिटी, ये कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी क्या होगी इसके कंपैरिजन में, एल्कलाइन टाइप बैटरी के कंपैरिजन में सेम कैपेसिटी के लिए हैवियर होगी, है ना। ये लाइट वेट होगी, हमें बैटरी क्या चाहिए, लाइट वेट बैटरी चाहिए जिससे व्हीकल का वेट कम रहे और हम उस पर लोड ज़्यादा डाल सके, है ना। सल्फेट इफ द लेफ्ट, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ले रहे हैं या आप इसे छोड़ रहे हैं ना, तो इस पे क्या प्रोसेस हो रहा है, सल्फेशन हो रहा है ना। तो ये सल्फेशन प्रोसेस किस पे, लेड एसिड पे ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। इट विल स्टार्ट सेल्फ डिस्चार्जिंग इफ अलाउ टू स्टैंड फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। वो क्या होगा, इसका सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट लेड एसिड के कंपैरिजन में कम होगा, है ना। ये डिस्चार्ज कम होगी लेड एसिड के कंपैरिजन में। हमने वहां देखा था जब एनालिसिस किया था बैटरीज का, तो 5% सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट था लेड एसिड बैटरी का। इट इज सेंसिटिव टू शॉक एंड वाइब्रेशंस, ये शॉक और वाइब्रेशंस को ज्यादा बियर कर सकती है इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक। डैमेज ऑफ ओवरचार्ज, ये ओवरचार्ज में इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी लेट डैमेज होगी, है ना। ओवरचार्ज अगर लेड एसिड बैटरी हो गई, डैमेज हो गई, बट इसमें ओवरचार्जिंग की बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। डैमेज इफ डिस्चार्ज अबव द सर्टन करंट रेट, अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी करंट रेट से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो लेड एसिड में पॉसिबिलिटी है कि वह जल्दी खराब हो जाए, फेलियर हो जाए, बट इसमें नहीं होगा। इट इज सुटेबल फॉर यूज लोअर टेम्परेचर, है ना, टेम्परा टूल्स। इसका क्या है, ये ड्यू टू डेंजर फ्रीजिंग एंड लो एसिड ग्रेविटी, इसका स्वाभाविक तौर पर लेड एसिड के कंपैरिजन में फ्रीजिंग और लो एसिड ग्रेविटी में भी एफिशिएंटली वर्क करेगी, राइट। तो ये इसने लेड एसिड से कंपेयर किया। अब एल्कलाइन टाइप बैटरीज की अगर बात करें तो देखिए, इट हैज मच लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ लॉन्गर होगी, नेमली 2.5 to 4 टाइम, है ना, 2.5 से 4 गुना ये लेड एसिड के कंपैरिजन में अच्छा काम करेगी। इट्स मेंटेनेंस लेबर कॉस्ट मिनिमल, इसकी मेंटेनेंस जो लेबर कॉस्ट होगी वो कम होगी, है ना। सम एक्सटेंड टू हायर इनिशियल कॉस्ट, राइट। इट इज वो इनिशियल कॉस्ट बढ़ा देगा अगर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसके कंपैरिजन में इसमें लेबर कॉस्ट मिनिमल होगी, कम होगी। इट इज हायर इन वेट, राइट, दैट द लेड एसिड बैटरी अनइक्वल कैपेसिटी, ये वेट में भी लाइटर होगी किसके कंपैरिजन में, लेड एसिड के में, है ना। इट हैज एबिलिटी टू विदस्टैंड लो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर्स विदाउट डैमेजिंग, ये लो टेम्परेचर भी बियर कर सकती है इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी। मैकेनिकली इट मच स्ट्रोंगर, ये मैकेनिकली भी स्ट्रोंगर है ना। लेड एसिड बैटरी एंड कैन स्टैंड सीवियर शॉक्स एंड वाइब्रेशन विदाउट इफेक्ट ऑन द प्लेट्स, राइट। कोई आपकी गाड़ी चल रही है तो उस पर क्या है, सीवियर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो क्या होगा, बैटरी डैमेज होने के चांसेस हैं किसके, लेड एसिड के। बट आप एल्कलाइन बैटरी यूज करेंगे तो ये ज्यादा शॉक बियर कर सकती है, राइट, ड्राइविंग के दौरान, ठीक। तो इट हैज एबिलिटी टू विदस्टैंड ओवर चार्जिंग एंड रैपिड डिस्चार्जिंग, अगर आप लेड एसिड के केस में हमने देखा था ओवर चार्ज कर रहे हैं या रैपिड डिस्चार्ज कर दें उसको, तो क्या हो रही थी, वो फेलियर हो रही थी, बट इसके केस में नहीं होगा या कम होगा। इट हैज एक्सट्रीमली लो सेल्फ डिस्चार्ज, क्या कह रहा है, इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट काफी कम है इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी। इट कैन बी लेफ्ट डिस्चार्ज एंड लॉन्ग पीरियड विदाउट डैमेजिंग, हमने वहां देखा था हम उसे बिना यूज के लंबे समय तक रख देते हैं तो उसका सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट हो रहा है और वो पूरी डिस्चार्ज हो जा रही है ना। उसके लिए हम प्रयोग कर रहे थे टिकल चार्जिंग, ट्वाइस इन द वीक हम टिकल चार्जिंग करनी पड़ रही थी, बट इसके केस में ऐसा कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ लेड एसिड बैटरी, राइट।
चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एल्कलाइन बैटरी है ना, एल्कलाइन बैटरी के टाइप्स के बारे में, अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं तो फर्स्ट देखिए निकेल आयरन बैटरी है, राइट। सेकंड है निकेल कैडमियम बैटरीज। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, नेगेटिव प्लेट्स का है ना। इसके पॉजिटिव प्लेट की अगर मैं बात करूं तो निकेल आयरन बैटरीज में भी वही मटेरियल यूज किया है हमने, और निकेल कैडमियम बैटरीज में भी वही मटेरियल यूज किया है। इन ईच टाइप ऑफ अ पॉजिटिव प्लेट हैज गॉट निकेल परऑक्साइड, है ना। इसमें हम पॉजिटिव प्लेट में क्या यूज कर रहे हैं, निकेल परऑक्साइड। निकेल परऑक्साइड को हम बहुत सी बार हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं ना। एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इन वाटर, वाटर के अंदर, है ना। एक क्वेरी लेड एसिड बैटरी में आई थी कि अगर हम लेड एसिड बैटरी का मटेरियल चेंज कर दें, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल चेंज कर दें, है, प्लेट्स पर जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो मटेरियल चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब उसमें लेड एसिड यूज कर रहे हैं इसलिए हम लेड एसिड बैटरी बोल रहे हैं, है ना। अब हमने उसका मटेरियल अगर चेंज कर दिया, ये मटेरियल हम यूज कर रहे हैं निकिल परऑक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, तो ये कौन सी हो जाएंगी, एल्कलाइन बैटरी, है ना। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.17 से कहाँ रहेगी, 1.19 तक, राइट। इट रिमेन्स अनइफेक्टेड ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस में अनइफेक्टेड रहेगी। हैंस इट इज नो आइडेंटिटी इंडिकेशन, नो इंडिकेशन ऑफ द स्टोरेज स्टेट ऑफ चार्ज, है ना। अगर ये अनइफेक्टेड रहेगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, तो इसका कोई भी ऐसा स्टेट ऑफ चार्ज इंडिकेशन नहीं देगा, है ना, कि इसकी स्टेट खराब हो रही है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान, है ना। इसकी स्टेट ऑलमोस्ट सेम रहेगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान, अनइफेक्टेड रहेगी इसकी, है ना, स्टेट ऑफ चार्ज, राइट, SOC। अब बात करेंगे निकेल आयरन बैटरीज की। तो अभी हमने जैसे ही बात करी, पॉजिटिव प्लेट पे सेम मटेरियल रहेगा यही वाला, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी निकेल आयरन बैटरी की नेगेटिव प्लेट की, ठीक, पॉजिटिव प्लेट का यही रहेगा, दोनों पे यही रहेगा। तो अब हम पहले निकेल आयरन ले रहे हैं कैडमियम से पहले, तो इसका पहले नेगेटिव मटेरियल देखते हैं, फिर हम निकिल कैडमियम पे चलेंगे, है ना। निकिल आयरन का देखते हैं पहले। द एक्टिव मटेरियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट इज, देखिए, पायरोपोरिक, कैसा है, पायरोपोरिक टाइप है, हेल्ड स्टील ट्यूब, है ना। पायरोपोरिक को हमने किस पे कर रखा है, स्टील ट्यूब्स में लगा रखा है ना। हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट होल्स, उसमें भी क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट होल्स होंगे, यानी कि पोरोसिटी होगी, है ना। द ट्यूब्स और पॉकेट्स आर हेल्ड इन द स्टील रिटेनर प्लेट्स, जैसे हमने लेड एसिड में देखा था वैसे ही हमने इसमें पेस्ट कर रखा है और उसमें पोरोसिटी है, ये कह रहा है ना। When the cell is discharged, the nickel peroxide is changed to nickel oxide, है ना। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो निकिल परऑक्साइड किसमें चेंज हो जाएगा, निकिल ऑक्साइड्स में, राइट। वेयर एज द आयंस ऑन द नेगेटिव प्लेट इज चेंज टू आयन ऑक्साइड, ये आयन ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे आयंस, राइट। अभी रिएक्शन में हम देखेंगे, ड्यूरिंग द चार्जिंग द आयन ऑक्साइड एंड निकिल ऑक्साइड आर कन्वर्टेड इन टू द प्योर आयंस एंड अदर निकिल ऑक्साइड, प्योर आयन में चेंज हो जाएंगे और अदर निकिल ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। इसको अभी रिएक्शन के माध्यम से और समझते हैं हम। इट शुड बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट एंटर इनटू द केमिकल यूनियन विद द एक्टिव मटेरियल ऑफ द प्लेट बट सिंपली एक्ट एज अ लिक्विड कंडक्टर। वो कैसे, लिक्विड कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे लेड एसिड में हमने देखा था और अदर लिथियम आयन बैटरीज में हमने देखा था। बट इन द चार्जिंग प्रोसेस द पॉजिटिव मटेरियल ऑक्सीडेज ऑक्सीडेज एंड द नेगेटिव मटेरियल डी ऑक्सीडेज, है ना। अब देखिए, ऑन डिस्चार्ज द एक्शन रिवर्स्ड, डिस्चार्ज के दौरान यही एक्शन क्या होगा, रिवर्स्ड हो जाएगा, राइट। तो इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अच्छा समझ में आएगा रिएक्शन के माध्यम से। जैसा कि हमने लिथियम आयन में देखा था, तो देखिए ये हम लिथियम आयन में यहाँ कुछ हमने सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट लगा रखा था, है ना। ऐसे हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पोरस सेपरेटर लगा रखा है, ये एक हमने पोरस सेपरेटर लगा रखा है। याद करिए लिथियम आयन में हम क्या देख रहे थे, लिथियम आयन इस इलेक्ट्रोलाइट उस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ से यहाँ जा पा रहे थे, केवल लिथियम आयन, है ना।
इसी इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये आयंस OH जो आयंस है ये कहाँ इस सेपरेटर के थ्रू क्रॉस हो सकता है। अगर मैं बात करूं इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए हैं ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ इस सेपरेटर से पास नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सर्किट लगानी पड़ेगी, जैसे लेड एसिड में लगा रहे थे, लिथियम आयन बैटरीज में लगा रहे थे, है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, कोई इक्विपमेंट लगा दिया, वो हमने यहाँ लगा दिया एक्स्ट्रा सर्किट में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ जाएंगे, है ना, सेम इसके विपरीत करंट फ्लो होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी होगा वो ग्लो हो जाएगा, है ना। अब हम देखें, जैसे हमने वहाँ लेड एसिड में रिएक्शंस देखे थे वैसे ही रिएक्शंस हो रहे हैं, बट मटेरियल चेंज हो गया, राइट। तो एनोड पे अगर मैं बात करूँ, देखो चार्जिंग के दौरान ये मिलेगा हमें, है ना, ये प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्चार्जिंग के दौरान हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ऐसे अगर कैथोड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए चार्जिंग के दौरान ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें और डिस्चार्जिंग के दौरान हमें ये मिलेगा। अगर मैं इसी को ओवरऑल रिएक्शन की तरह मैंने लिख दिया है, देखिए, तो ये ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान हमें प्राप्त होगा, जैसा कि हमने लेड एसिड बैटरीज में रिएक्शंस में देखा था। अब निकेल कैडमियम बैटरीज की अगर मैं बात करूं तो निकेल हाइड्रोक्साइड इज यूज एक्टिव मटेरियल फॉर द पॉजिटिव प्लेट, है ना, सेम ही है। देखिए इसने निकेल हाइड्रोक्साइड लिख दिया उसको, है ना, यही तो हम यूज कर रहे थे पॉजिटिव प्लेट पे, दोनों की पे सेम। हाँ ये देखिए निकेल परऑक्साइड को इसने हाइड्रोक्साइड लिख दिया है, इसको हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में पॉजिटिव प्लेट में निकेल परऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक। द एक्टिव मटेरियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट कंसिस्ट ऑफ मेनली कैडमियम ऑक्साइड, इसको इसी वजह से कैडमियम वो बोल रहा है, नेगेटिव प्लेट पे इसने क्या किया है, कैडमियम ऑक्साइड यूज किया है ना, और ये स्टील शीट स्टील लगा दी यूज फॉर कंटेनर, कंटेनर के लिए इसने ये मटेरियल की, निकेल्ड मटेरियल की एक शीट लगा रखी है और उस पर पेस्ट करके, है ना, पोरोसिटी बना के वैसे ही क्या यूज कर रहा है, नेगेटिव प्लेट पर, ठीक, कैडमियम ऑक्साइड। द सीम्स आर वेल्डेड एंड द कंटेनर आर स्पेशली ट्रीटेड एट प्रेजेंट रस्टिंग, है ना, इसको वही सारे सेम अरेंजमेंट करके अब इसमें ये रिएक्शंस देखिए, इसके रिएक्शंस सम डिफरेंट हो जाएंगे, कुछ अलग हो जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव प्लेट पे बात करूं तो ये देखिए ये होगा, है ना, ये सारे इसने अरेंजमेंट्स कर लिए, नेगेटिव प्लेट वाला चेंज कर लिया, वैसे ही कंटेनर ले लिया, वैसे ही सेपरेटर लेके सारी व्यवस्थाएं बना ली, बट इसके रिएक्शन चेंज हो जाएंगे। रिएक्शन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मटेरियल चेंज हो रहा है ना। अब देखिए नेगेटिव पे बात करूँ तो ये हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान मिलेगा, पॉजिटिव पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान मिलेगा, है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट आप ओवरऑल रिएक्शन तो याद रखें ही रखें, है ना, ओवरऑल रिएक्शन आपका कुछ ये रहेगा, ठीक, ये उसने इसका फिगर दिखाया होगा। चलिए तो पहले इतने पोर्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे, राइट। तो वन बाय वन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप लोग लेट ना आए प्लीज,